सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नोकिया का 9 आने वाला है जिसमें आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि 5 कैमरा का सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नोकिया 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको जनवरी में देखने को मिलने वाला है। और ये मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन जिसको लोग काफ़ी जोर से वेट करें कि कब इसे नोकिया लॉन्च करेगा। अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन जाएगा जिसमें आपको 5 कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा बैक साइड में। सिर्फ कैमरा ही दे रहे हैं, फ़ोन में कुछ दो दम है नहीं, सच्चाई यही है। अगर हम लोग बात करें तो इस फ़ोन का अगर आप बेजल देखिएगा तो इतना ज़्यादा है ऊपर और नीचे, जो अभी रिसेंटली में कुछ पिक्चर्स निकल के सामने आई है तो उसमें इतना ज़्यादा बेजल आपको दिखाई जा रहा है कि 2019 में यार हम इतना ज़्यादा बेजल एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट नोकिया को यहाँ पर काम करना चाहिए और बेजल को काफ़ी ज़्यादा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम 2019 में आ गए हैं और अब तो भाई पूरा बेजललेस डिस्प्ले आने वाला है। बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनी तो पॉपअप डिस्प्ले दे रहे हैं, कोई डुअल डिस्प्ले दे रहा है, और यहाँ पर नोकिया इतने बड़े बड़े बेजल दे रहे हैं, आपको देखने में भी कितना ख़राब लगेगा 2019 में, जबकि नोकिया का एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होने वाला है। अगर हम लोग बात करें हम लोग को बैक साइड में 5 कैमरा का सेटअप मिलने वाला है, जिसको सब कोई बोलते हैं कि पेंटा कैमरा, तो आपको पेंटा कैमरा देखने को मिल जाएगा। और आपको एक पुराना चिपसेट मिलेगा जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 का। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 का। 6 GB का रैम मिलेगा, 128 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर। ये सब तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट नोकिया को 2019 में अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में फ्लेक्सिबल चिपसेट देना चाहिए था। लोग सिर्फ कैमरा की वजह से पूरा स्मार्टफोन को बाय तो करेंगे नहीं। हालांकि आप काफ़ी कमाल के फ़ोटोज इस फ़ोन से ले सकते हैं भाई, इतना कैमरा देगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कमाल इतना कैमरा देख के क्या फ़ायदा जब आप अच्छे फ़ोटो ही ना ले पाए तो फ़ोटोज आप काफ़ी कमाल के लेंगे। लेकिन यार कुछ फ़ोन में मुझे उतना ठीक लगा नहीं, सिर्फ कैमरा। और 2019 में आपको इतने कम बेजल वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, पॉपअप कैमरा वाला डिस्प्ले मिलेगा, अभी वीवो ने लॉन्च किया है वीवो का नेक्स्ट डुअल डिस्प्ले, जो कि दोनों साइड में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यार नोकिया क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट बेजल को कम करेंगे, सिर्फ कैमरा के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन ज़्यादा तक टिकने वाला है नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।